जो मीडिया का साथ हम लोग जो इंटरेक्शन जो रखा है तो ये है कि बहुत लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हमारा जो सासी सेब और नेचर सेब इंडिजिनस क्यों डोरमेंट है और क्या हो गया सासी को बोल के बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और कोई कोई हमारा जो वेल विशर लोग हमारा एग्जीक्यूटिव हमारा जितना भी टीम को मैसेज करके पूछता है क्या हो गया। वो अभी ऐसा है हमारा सासी का भी तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स में चलता है। हम लोग का अभी 3 साल हो गया तो उसका ऐसा होता है कि हम लोग उसको रिसफलिंग भी करना पड़ता है। और दूसरा है कि हम भी अभी अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपसू में हम भी ऑलरेडी स्पीकर है आपसू में तो यहाँ में अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग ने डिस्कस किया, डिस्कस करके हमारा जो कुछ कुछ जो मैक्सिमम पोस्ट जो एसटीज है और कुछ कुछ को रिसफलिंग किया और हमारा इस वर्ष अभी नया सासी का चेयरमैन होगा हमारा एडवोकेट रमजी रक्षप, ये हमारा ये जो अभी चेयरमैन रहेगा। और बाकी तो जैसे हमारा सासी का जो स्पोक्स पर्सन एसडी रहेगा और बाकी जो एग्जीक्यूटिव तफानम है ये तकी तमीन है नीलम तालुम है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव पूरा रहेगा टीम में रहेगा। और ऐसा है हमारा तो ऐसा है कि एक आदमी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में रहने से टाइम भी मैचिंग नहीं हो पाता, इसलिए हमने सासी को हैंड ओवर किया चेयरमैन को हमारा एडवोकेट साहब को। और दूसरा बात है कि सासी का जो पहले जो भी इश्यूज है गवर्नमेंट को जितना है जितना इश्यूज दिया है वो कंटिन्यू है, कोई नहीं सोचना है कि वो कंटिन्यू नहीं है बोल के कंटिन्यू फॉलो अप कर रहा है। क्योंकि आप लोगों सबको पता है हमने जितना इशू सबमिट किया उसको असेंबली में चर्चा हुआ और यहाँ से सेंट्रल में ये आपका यहाँ से भेज भी दिया इशू को। तो अभी वो इशू का पीछे अभी तो ये लोग की रिमाइंडर भेजेगा गवर्नमेंट से डिस्कस करेगा और नया नया इशू को भी ये लोग टेकअप करेगा। और मेरा जितना भी है हम सासी से निकल गया मतलब सासी से डिसकनेक्ट ऐसा नहीं है, साथ में जुड़ा रहेगा। जो भी समाज का इशू है कोई भी प्लेटफॉर्म से आदमी जो समय दे पाता है कोई भी प्लेटफॉर्म से टेकअप कर सकता है और करना है हम जुड़ा रहेगा। तो आज वही है। और दूसरा है कि अभी कुछ कुछ जो एक दो नया नया इशू सासी टेकअप करेगा और जितना भी हम लोग का सासी का वेल विचार है और मेरा भी जो वेल विचार है सासी को हमेशा साथ देना है। क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर उधर से हम लोग मतलब उल्टा पुल्टा करता नहीं है और हमारा जो स्टैंड क्लियर होता है विथ वेल एक्वेंटेड नॉलेज का साथ और हमारा तर्क का साथ हम लोग प्लेस करते हैं हर एक इशू को। और अब ये सेम चीज़ को कंटिन्यू करेगा हमारा ये नया टीम जो कंटिन्यू करेगा। तो हमारा नया चेयरमैन सर एडवोकेट रमजी रक्षप ये आप लोग को कुछ बताएगा नया क्या क्या चीज़ कर सकता है और क्या करेगा इसको थोड़ा ये बताएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारे अरुणाचल का जनता को नमस्कार। तो आज इतने दिन के बाद विद सासी वी हैड अ मीटिंग एट होटल रिवर व्यू देन देयर आफ्टर वी आर हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग का सासी इतना सालों से हमने अरुणाचल के लिए काम करने का कोशिश किया और पब्लिक भी हमको सपोर्ट किया तो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए आज हमारा जो चेयरमैन सर है वो उनका टेन्योर ओवर भी हो गया और उनको ग्रेटर प्लेटफॉर्म में भी हम लोग देखना चाह रहा था इसीलिए हम लोग उसको आज से वो रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि देविया मूज आज सासी से वो अलग हो गया। सासी एक ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारा जनता का है। सासी एक सोच का साथ सोच है सासी इज़ फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये एसडी का सिर्फ नहीं है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव का सिर्फ नहीं है, सब अरुणाचल का जितना भी इंडिजीनियस है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो हम लोग एक मिल के हम लोग सासी बनता है, वो सासी का एक हम लोग का आइडियोलॉजी है। इसके साथ साथ आज मेरा यहाँ टीम पे भी बैठा हुआ है तो हम लोग सासी उस मुद्दा को उठाता है जो पब्लिक हम लोग को ग्रेविशंस प्लेस करता है पब्लिक का ओपिनियन को लेके, क्योंकि हम लोग को बोलता है कि ये चीज़ को आप लोग उतारना चाहिए तो हम लोग उसको पब्लिक जब हम लोग को अप्रोच करेगा तो हम उसको उसको देख के हम लोग मीटिंग बैठक बैठने का बात हम लोग ये उठाता है। तो अभी हम लोग को ऐसा पब्लिक से एक मीन्स अभी फील आया कि हमारा अरुणाचल में आईएलपी चेकिंग को लेके और या आईएलपी दो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को लेके और चीन हिल रेगुलेशन को लेके कि इसका इफेक्टिव और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है बोल के हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सा ऐसा अपील आ रहा है। तो ये सिलसिला में हम लोग एक अभी नेक्स्ट स्टेप सासी वही रहेगा कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहा है और विद इन मीन्स वीक हम लोग उसको कुछ समाधान करने का कोशिश करेंगे। हम लोग तो एक फ्रेशर ग्रुप है और एक समाज कार्यकर्ता है तो हम तो
जो पब्लिक का इश्यू है, जो पब्लिक का दिक्कतें है, उसको हम लोग गवर्नमेंट में प्लेस करता है। वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो हमारा जो प्लेस किया हुआ है उसको गवर्नमेंट प्रियोरिटी में लेके उसका काम करना। तो शासी अभी जैसे हम लोग का ऑलरेडी इश्यूज बहुत था, जैसे हमारा फॉर्मर चेयरमैन सर और ये हमारा चीफ एडवाइज़र भी रहेगा, क्योंकि हमने बोला कि ये आपसू में रहो या जहाँ भी रहो, शासी एक सोच से चलता है। तो शासी जैसे मीन्स इसीलिए ये हमारा चीफ एडवाइजर रहेगा, जब तक ये जिंदा है तब तक शासी चीफ एडवाइजर रहेगा, क्योंकि हम एक माइंड, हम लोग जो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ आया है हम लोग लाइक माइंडेड है, तो इसीलिए इसको बनाया था। तो ये भी रहेगा, इसका गाइडेंस में भी हम लोग काम करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग जब ये हम लोग एक्टिविटीज उठाएंगे तब मीडिया का साथ हम लोग भी संपर्क करना चाहेंगे। और रेस्ट जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग का कुछ कुछ रहा, तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। जैसे हमारा ये स्पोक्स पर्सन सर भी, तो वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए भी इतना ये हमारा ये पर्यावरण बचाने के लिए भी काम करते हैं, शासी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मिलके अरुणाचल का हित के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि शासी जो टूट गया, शासी बिखर गया, शासी ऐसा नहीं है। मींस एग्जीक्यूटिव तो चलते रहेगा, वी मे गो, मीन्स हम कल को जाके हम छोड़ भी सकता है, लेकिन आने वाला पीढ़ी भी ये चीज़ अरुणाचल के लिए इंडिजिनियस इंटरेस्ट के लिए काम करते रहेगा। थैंक यू, दैट्स इट। After long gap, Sasi is, you know, coming in for press briefing. So, सभी को नमस्कार। आगे मेरा जो former chairman Divya Muj और अभी जो new incumbent के chairman जो Sasi Romjit Raksab ने जो बयान दिया, तो मेरा ये रहेगा कि अभी बहुत साल बहुत महीना से Sasi was inactive. नोट इसलिए नहीं था कि हम लोग का पास इशू नहीं था, ऐसे नहीं था, क्योंकि यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। समटाइम क्या होता है कि अपना अपना बिजी भी होता है, तो उसका वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं आ सका। सो पीपल शुड नॉट मिसअंडरस्टूड अस, वी आर ऑलवेज डियर फॉर यू पीपल। शासी एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टेट का कोर इशू को उतारने के लिए हमेशा कोशिश किया और उठाया भी है। पिछले दो तीन वर्ष पहले हम लोगों ने 371H का बात किया, जिसको लेके हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चर्चा किया, और जो फॉरेस्ट ओवरलैपिंग इशू, जो रिजर्व फॉर RF रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इशू को भी इस्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा किया। तो ये काम को समाधान करना नहीं करना, इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ द शासी, बट शासी एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वॉइस देता है कि इसको गवर्नमेंट करना चाहिए। नाउ इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू यू नो ब्रिंग सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। तो हम लोगों ने ये दो तीन इशू को हम लोगों ने उठाया। नाउ अगेन ILP का जो इशू है, इनर लाइन परमिट का इशू है, जो BEFR बोलता है, जो 1873, जिसमें हमारा अरुणाचल को बहुत सा काम करना है, क्योंकि अभी आउटसाइडर जो इनफिल्ट्रेशन अरुणाचल से जिस प्रकार में हो रहा है और जिस गति से यहाँ का जो आउटसाइडर का नंबर बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा एक खतरा का संकेत है, और अरुणाचल गवर्नमेंट को खतरा होने से पहले इसका समाधान करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में हम लोग शासी इसको फिर से उतारेंगे। और जो हमारा यहाँ चीन रेगुलेशन एक्ट है, इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का बात करना चाहिए, जो कि हमारा जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा 2020 में भी उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि ये चीन रेगुलेशन एक्ट को वो इफेक्टिवली इन्फोर्स करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक तो किया नहीं। तो इसलिए ऐसा कोर इशू है जो शासी ने उठाया। तो आप लोगों को कभी भी नहीं सोचना है कि शासी कहाँ चले गए। शासी जो भी इशू उठाया है, ये स्टेट का कोर इशू था, इसलिए लोगों को भी जनवाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जब शासी का जन्म हुआ उस वक्त बहुत सा इशू को स्टेट में बहुत कम लोगों ने उठाया। तो हम लोग भी सोचा कि हम लोग एक, जैसे हमारा जो रोमजीर ने बोला,
कि एक ये एक सोच है, सासी एक सोच है, सबका सोच है। यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का ये एक ये ऐसे बोल के नहीं है। तो इसलिए ये सोच को, पूरा का सोच को मिला के, अरुणाचल का सोच को मिला के एक आवाज़ बन के निकलता है। तो सासी का जितना भी इशू है वो एक कोर इशू को उतारने के लिए प्रयास किया, और गवर्नमेंट इस दिशा में भी कुछ कुछ काम को करने जा रहा है, और हम लोग सोचता है कि इसको गवर्नमेंट और आगे भी करे। इतना ही कहना है। थैंक यू।